हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि सेल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन हमारी जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो हमारे पूरे सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सेल कॉन्सेप्ट, सेल मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दो साइंटिस्ट हैं, एक डेनियल और दूसरे डेविसन, है प्रपोज किया था इन्होंने बाई लेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको प्रपोज किया था कैसे, बाई लेयर में। बाई लेयर मतलब उसमें दो दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक जो है एक्सटर्नल होती है हमारी और एक इंटरनल होती है। ठीक है, बाई लेयर होती है। और यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाई रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? इन 1972 में दिया था। सिंपल से डिफिनेशन हम इसकी कह सकते हैं कि सेल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन आल्सो, या फिर आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और सेल के इनसाइड में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और सेल के आउटसाइड पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो सेल के इनसाइड फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इंटरनल साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन का? सबसे पहला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का पूरी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, उस प्रोटेक्टिंग कवरिंग कहते हैं हम। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल के अंदर कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही होते हैं जिसे सेल के अंदर जाने देती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब्सटेंसेस की नीड होती है, केवल उसी सब्सटेंसेस को सेल के अंदर हमारी ये सेल मेम्ब्रेन जाने देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थ्री कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा है? प्रोटीन है, जो 55% होता है। और दूसरा हमारा लिपिड है, जो 40% है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 5% है। प्रोटीन टू टाइप्स की होती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। लिपिड में ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर का रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? हेड कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं? ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर लविंग होता है, इसे पानी से डर नहीं लगता है। ठीक है, वाटर लविंग होता है, इसे वाटर मतलब फ्लूइड जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये अच्छे से अरेंज होता है। और जो नीचे का रीजन है इसे टेल कहते हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी फोबिया, इसे जो है वाटर से क्या होता है, वाटर से डर लगता है, इसलिए ये अंदर ही अरेंज्ड होता है। सेल के बाहर भी साइटोप्लाज्म है, वाटर है, और सेल के अंदर भी वाटर है, तो ये एक ही साइड प्रेजेंट रहता है। और जो फॉस्फोलिपिड है, जो हेड रीजन है, अंदर से भी वाटर को उसे अच्छा लगता है और बाहर से भी अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे अच्छा फंक्शन यही है कि जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस होते हैं उसे सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने देती है, और जो नहीं होती है उसे वो सेल के अंदर नहीं आने देते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन्स का सबसे अच्छा काम यही होता है कि प्रोटीन चैन के जैसे कुछ सब्सटेंसेस या कुछ मॉलिक्यूल हो गए जो जिसको अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेके प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से हम उस सब्सटेंसेस को सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन आने देती है। ए पार्शियल परमिएबल बैरियर कंट्रोलिंग एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। पार्शियल परमिएबल बैरियर प्रेजेंट होता है। बैरियर का काम ही क्या होता है कि कंट्रोल करता है एक्सचेंज को किसके बीच में, सेल और उसके एनवायरनमेंट में। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बैरियर जो है वो क्या करता है, उसकी कंट्रोलिंग का काम करता है, प्रमोट कंपार्टमेंटलाइजेशंस प्रमोट करता है, और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है रीजनल डिफरेंशिएशन दैट आर रिलेटेड होता है टू स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को सेल के अंदर आने देता है। ये सेल हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम्स। तो क्या होता है, जो स्पेशल फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को अंदर आने देता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के हेल्प से ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, सिक्रिएशन की होती है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ, वो किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन की ही हेल्प से होता है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिक कपलिंग होता है, एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, वो किसकी हेल्प से होती है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है। एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, तो वो सारी भी प्रोसेस कैसे होती है, जब ऑक्सीजन हमारा सेल के अंदर आएगा, ऑक्सीजन जब सेल के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाएगी, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या मेरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें सेल के अंदर ही होती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, बहुत ही सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को, यानी कि ऑक्सीजन को तो इजली अंदर आने देता है और CO2 को इजली बाहर जाने देता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोज किया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में। इसमें सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बता दिया कि एक हेड रीजन होता है और एक क्या होता है हमारा टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो हमारा ग्लिसरीन से बना होता है, किससे बना होता है, ग्लिसरीन से बना होता है। और जो हमारा टेल रीजन है वो किससे बना होता है, वो फैटी एसिड से बना होता है, किसे, ओनली फैटी एसिड से। और ये क्या होता है, ये हमारा वाटर लविंग होता है हेड रीजन इसका, और टेल जो होता है इसका ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, इसे क्या होता है, जल से डर लगता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है, प्रोटीन इंटेग्रल प्रोटीन दो प्रकार से होती है, एक इंटेग्रल प्रोटीन होती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स के बिल्कुल ही मिड में इम्बेडेड होती है, और जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है ये कहीं भी अरेंज होती है, इसकी कोई फिक्स पोजिशन नहीं होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बता दिया कि नॉन पोलर रीजन और पोलर रीजन होता है। फॉस्फोलिपिड इन बायलेयर, जिसे कहा गया है ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है कैसी होती है, बायलेयर होती है। बायलेयर क्यों कहा गया, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो हेड और टेल टू लेयर प्रेजेंट है ना, एक लेयर ये प्रेजेंट है और इसके बीच में जो है ना वो प्रेजेंट होता है क्या, हमारा कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ में आ गया सबसे, और सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का सीधे सा फंक्शन यही है कि वो हमारी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर आने देती है, और सेल के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।